अजय विजय। अरे कोई लड़के है भाई, कोई अपने लवर। इसके अंदर ना कुछ मछलियां वगैरह छोटी 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 मछलियां का देखो नीचे, ये काफी हाँ। काफी डेंजर नजारा है यहाँ का, ये वाला अंदर काफी पतला है। और भाई साहब यहाँ से दो रास्ते हैं, आप लोग एक दरगाह के पास जाते हैं, मतलब ऊपर एक छोटे दरगाह है कुछ भी जो लोग है, तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ पे एक इधर जाता है लेफ्ट और एक सीधा। तो सीधा वाला जो रास्ता है वहाँ पे अलाउ नहीं है जाने के लिए, काफ़ी लोग जा रहे हैं, पर वहाँ पे आप लोग अपने रिस्क पे जाएंगे, जो भी लोग जाएंगे वहाँ पे। तो हम लोग जाएंगे अभी दरगाह इधर। मेरा ना GoPro का बैटरी काफ़ी डाउन हो चुका है, इसलिए मैं अभी इससे शूट नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत फ़ोन से आपको जो भी रहेगा बता देता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग गुफा में जा रहे हैं, बोल रहे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आगे एक दरगाह है छोटा सा, वहाँ पे भी ये गुफा है, कोई खुफिया गुफा बोल रहे हैं सब लोग। तो काफ़ी डेंजर नज़ारा है यहाँ का, देख सकते काफ़ी रिस्क है यहाँ पे आने के लिए। बैटरी काफ़ी डाउन हो चुका है यार उसका, तो इसलिए मैं उससे काफ़ी यूज़ नहीं कर रहा हूँ कभी। अभी हमें नीचे भी जाना है दूसरी साइड, वहाँ पे भी ब्लॉग शूट करना है अभी हमें, कुछ ऐसा है इधर से ज़रा पता ऊँचा आसमान की ऊँचाई होती है। 500 रुपये ले लैंड करा दो। ये पाइप है यहाँ पे, पकड़ के जा भी सकते हैं, बट तो मुझे ना एडवेंचर जैसी जगहों पे काफ़ी मज़ा आता है, और क्योंकि नए बहुत सारी एक्टिविटी होती है ना वहाँ पे, अपने आप को तुम्हारे अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं चढ़ने के लिए। और यहाँ का भी धीरे धीरे क्लाइमेट है ना, वो काफ़ी ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, जब हम लोग सुबह आए थे तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, बट अभी काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं तो अभी ठंडा लग रहा है। तो अभी हम लोग खुफिया गुफा में जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है। भाई ये देखिए पत्थर है ना, ये काफ़ी, ये जो पत्थर है देखो नीचे, ये काफ़ी काफ़ी डेंजर नज़ारा है यहाँ का, ये वाला अंदर काफ़ी पतला है, और यहाँ पे अंदर ना कुछ भी साफ वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो अंदर मत जाइएगा। तो हम लोग अभी जस्ट इधर पहुंच चुके हैं, देखते हैं रास्ता है यहाँ पे, तो जाते हैं नीचे। ये अजय क्या है, अजय विजय। अरे कोई लड़के है भाई, कोई अपने लवर का नाम लिख के गया क्या, लिख के गई होगी। चप्पल शूज स्टैंड अंदर जाना रहा हूँ नहीं क्या, चप्पल पहन के यहीं पे बोल रहे हैं, यहीं पर उतारना पड़ेगा। तो भाई हम लोग यहाँ पे चप्पल वगैरह सब उतार देते हैं। तो शूज वगैरह उतार रहे हैं अभी सब लोग, मैं वाइट जीन्स पहन के आया फिर भी पहाड़ों पे वो भी। भाई भाई के पैर कितने गोरे हो गए, अबे गोरे नहीं हुए, वो वाइट पड़ चुके पसीने से। तो गाइस फाइनली हम लोग जो सबसे लास्ट दरगाह था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, एटलीस्ट सबसे मेन दरगाह था वो नीचे ही है, यहाँ पे भी एक दरगाह है, हम लोग सोचे चलो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो कई सभी तालाब हैं यहाँ पे अंदर, इसके अंदर ना कुछ मछलियाँ वगैरह छोटी छोटी मछलियाँ काफ़ी सारी। यहाँ पे हम कॉइन डाल के
विश मांग सकते हैं। यहाँ पे कॉइन्स डालते क्या? हाँ कॉइन डालते हैं, देखो यहाँ पे 1 रुपए का या 2 रुपए का जो भी कॉइन्स वगैरह रहते हैं आप लोग यहाँ पे डाल के विश मांग सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी मछलियाँ हैं इसमें, अभी आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं पहले दर्शन कर लेता फिर आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो भाई सर इस दरगाह का नाम क्या क्या नाम था इसका? हमने नाम नहीं पढ़ा, इस दरगाह का नाम क्या है? हजरत हजरत हाजी अब्दुल रहमान, हजरत हाजी अब्दुल रहमान रहमान ना। तो इस दरगाह का नाम है, ये काफ़ी ऊपर है यहाँ पे, हाजी मलंग से पीछे। ये हाजी मलंग के ना एकदम ऊपर है, देखो चट्टान है यहाँ पे पूरी एकदम, देखो पूरा ऊपर देख सकते आप लोग। कटिंग करके बनाया ये ना, पहाड़ को कटिंग करके बनाया गया है पूरा। यहाँ पे अंदर ना छोटी छोटी मछलियाँ हैं, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि वो देखो देखो सामने पानी देखो मिल रहा है पूरा। चला गया, देखो क्या